नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। संसद का शीतकालीन सत्र कल से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार दोनों सदनों में राष्ट्रीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती कल। ब्रिटेन की अदालत द्वारा भगोड़े उद्योगपति विजय मल्ल्या का भारत प्रत्यर्पण का आदेश। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, संपूर्ण कर मुक्त निकासी के साथ राष्ट्रीय पेंशन योजना में बदलाव किया जाएगा। स्वदेश निर्मित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का चांदीपुर में सफल परीक्षण। और भारत ने ऑस्ट्रेलिया से एडिलेड में पहला क्रिकेट टेस्ट मैच 31 रन से जीता। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। लगभग एक महीने चलने वाला यह सत्र अगले महीने की 8 तारीख तक जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार दोनों सदनों में राष्ट्रीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार है। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे सदन में रचनात्मक माहौल बनाए रखें और लोगों के कल्याण से जुड़े मुद्दों का मिलकर समाधान करें। संसदीय कार्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि सत्र के दौरान कुल 45 विधेयक पेश किए जाएंगे। यह शीतकालीन सत्र 29 दिनों का है, लगभग इसमें 20 बैठकें होंगी। सरकार की ओर से लगभग 46 मदें निर्धारित की गई हैं, जिन पर कामकाज सदन करे यह अपेक्षा है, जिसमें विधेयक भी हैं, 3 अध्यादेश हैं और सप्लीमेंट्री बजट भी है। आज इस बैठक में सभी लीडर्स उपस्थित थे, सभी ने सदन को चलाने में सहयोग प्रदान करने के लिए सरकार को आश्वस्त किया है। मॉनसून सत्र के बाद जिन मौजूदा और पूर्व सांसदों का निधन हुआ है, उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद कल दोनों सदनों की बैठक स्थगित कर दी जाएगी। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी सदन के सुचारू संचालन पर चर्चा के लिए सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई। मंत्रियों सहित 31 नेताओं ने इसमें भाग लिया। श्री नायडू ने कहा कि सरकार और विपक्ष दोनों के पास ये अधिकार है कि वे अपना अपना एजेंडा प्रस्तुत करें, लेकिन ये तभी हो सकता है जब संसद का कामकाज सुचारू रूप से चले। बैठक में श्री जेटली ने कहा कि यदि सरकार और विपक्ष दोनों के लिए समुचित समय का आवंटन किया जाए तो सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा करा सकती है। श्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस भी चाहती है कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले और विधेयक पारित किए जाए। विपक्षी दलों ने सत्र के सिलसिले में रणनीति तय करने के लिए अलग से बैठकें की। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन निचले सदन की बैठकों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए कल विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से मिलेंगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे हिंदी में एक विशेष परिचर्चा संसद के समक्ष मुद्दे प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम इंद्रप्रस्थ और एफएम गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम विधानसभा चुनावों की कल होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन अधिकारियों ने बताया कि वोटों की गिनती का काम सुबह 8 बजे शुरू होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डाक मतदान पत्रों की पहले गिनती होगी। लगभग 20 दिनों के अटकलों और दावों के दौर के बाद अब छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू होने में 12 राजस्थान में करनपुर निर्वाचन क्षेत्र में एक मतदान केंद्र पर आज हुए पुनर्मतदान में लगभग 87% वोट पड़े। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि मतगणना स्थल पर किसी प्रकार के व्यवधान से बचने के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मतगणना कार्य में 20,000 कर्मचारी सेवाएं देंगे और सतत निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रदेश भर में लगाई गई 350 एलईडी स्क्रीन पर मतगणना के नतीजे देखे जा सकेंगे। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव की कल होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं।
लगभग 20 दिनों के अटकलों और दावों के दौर के बाद अब छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की मतगणना शुरू होने में 12 घंटे से भी कम का समय बचा है। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 29 सीटें सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, वहीं राज्य की 10 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। छत्तीसगढ़ में मुकाबला हमेशा से काफी नजदीकी रहा है। वर्ष 2013 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को मिले कुल वोटों का अंतर 1% से भी कम था। ऐसे कांटे के मुकाबले में अब सभी लोगों को कल चुनाव परिणाम सामने आने का इंतजार है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को डाले गए मतों की गिनती कल होगी, लेकिन इससे पहले ही प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। तेलंगाना में कल सुबह 8 बजे से डाक बैलेट के साथ वोटों की गिनती शुरू होगी। 1900 माइक्रो ऑब्जर्वर की मौजूदगी में सभी 119 विधानसभा क्षेत्रों में वोटों की संख्या के आधार पर 12 से 42 राउंड में मतगणना होगी। भद्राचलम, अश्वरोपेट और बेल्लमपल्ली के नतीजे सबसे पहले आने की संभावना है, क्योंकि यहां मतों की संख्या कम है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में गणना के अंत में वीवीपैट की वोटर पर्चियों को भी टैली करने के लिए गिना जाएगा। एग्जिट पोल के चलते चुनावी हलकों में विभिन्न पार्टियों की जीत हार के कयास लगाए जा रहे हैं। हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह। 40 सदस्यीय मिजोरम विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती के लिए पूरे राज्य में 13 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है। कल होने वाली मतगणना और नतीजों का आम जनता को भी बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि एग्जिट पोल के चलते कोई साफ जनादेश दिखाई नहीं दिया है और त्रिशंकु विधानसभा के आसार बन गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आशीष कुंद्रा ने बताया है कि मतों की गिनती के लिए 1401 मतगणना अधिकारियों को तैनात किया गया है। 40 मतगणना हॉलों में 347 ईवीएम मतगणना टेबल और 40 डाक बैलेट गणना टेबल लगाई गई है। आइजोल से आइरीन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नईम अख्तर। निर्वाचन आयोग 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के रुझान और नतीजे अपनी नई वेबसाइट ecirizults.nic.in पर उपलब्ध कराएगा। ये वेबसाइट सवेरे 8 बजे से चालू रहेगी और लगातार जानकारी उपलब्ध कराएगी। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने मतगणना के ताजा रुझानों और परिणामों के विशेष कार्यक्रम के प्रसारण को देखते हुए अपने नियमित बुलेटिन के समय में परिवर्तन किया है। हिंदी बुलेटिन 12:10 से 12:20 तक प्रसारित होगा। दोपहर के हिंदी और अंग्रेजी समाचार बुलेटिन की अवधि भी 15 मिनट बढ़ाई गई है। शाम 6 बजे का अंग्रेजी और हिंदी बुलेटिन भी 10-10 मिनट का होगा। इसके अलावा सवेरे 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतगणना के परिणामों की ताजा जानकारी देने के लिए विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। रात 9:30 से 10:30 तक रेडियो ब्रिज कार्यक्रम होगा। जनादेश छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के परिणाम मंगलवार 11 दिसंबर 2018 संतुलित और सटीक विश्लेषण सुबह 8:30 से दोपहर 2 बजे तक विशेष रेडियो ब्रिज कार्यक्रम रात 9:30 से 10:30 तक सुनना ना भूलें आकाशवाणी के FM गोल्ड, राजधानी चैनल और राष्ट्रीय नेटवर्क पर। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। आओ बेटा, अब मेरी उम्र हो रही है, आज तुम दोनों के सामने ये बात होना जरूरी है, ये मेरी वसीयत है, यहाँ साइन कर दो। सिर्फ मेरा और भैया का नाम, दीदी का नाम क्यों नहीं है? केशव, बेटियों के नाम तो आज तक वसीयतों में और जमीनों में नहीं लिखे गए। पापा, जो आज तक नहीं हुआ वही तो करना है, आज से हम सब बराबर हैं। वकील साहब, एक नाम और जोड़ दीजिए, बच्चे ठीक कह रहे हैं। बेटों और बेटियों में फर्क क्या करना, बेटियों के पंखों को खुलने दीजिए, उन्हें उड़ने दीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। अरे भाई तुषार, व्हाट्स हैपनिंग? अरे भाई, अपने बेटर फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इसका फायदा बाद में हमें ही तो मिलेगा। अरे मुझे भी बता यार ऐसी इन्वेस्टमेंट के बारे में। बस मेरी तरह अपना एडवांस टैक्स समय पर जमा कर दे। उससे क्या होगा भाई? तुझे पता है हमारे ही इनकम टैक्स से तो विकास को नई गति मिलती है, और जो हमारे गली मोहल्ले से लेकर देश के कोने कोने तक फैलती है, और उसका फायदा किसको मिलता है? हमें ही तो। ये बात तो है भाई, ईमानदारी से दिए इनकम टैक्स का फायदा हमें ही तो मिलता है। तो आइए मिलकर हम करें नए भारत का निर्माण समय पर।
टैक्स देकर करें अपना योगदान। याद रखें 15 दिसंबर 2018 एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त को जमा करने की अंतिम तारीख है। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ब्रिटेन की एक अदालत ने भगोड़े उद्योगपति विजय मल्ल्या के भारत प्रत्यर्पण का आदेश दिया है। इस फैसले से भारत के बैंकों का 9000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण चुकाए बिना विदेश भागने वाले मल्ल्या को वापस लाने में बड़ी कामयाबी मिलेगी। अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि मल्ल्या के खिलाफ झूठा मुकदमा दायर करने का कोई संकेत नहीं है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आशा व्यक्त की है कि मल्ल्या को जल्दी भारत लाया जा सकेगा। सीबीआई प्रवक्ता ने कहा कि जांच एजेंसी अपने तथ्यों पर अडिग रही और प्रत्यर्पण प्रक्रिया के दौरान वो कानूनी पहलू से भी पूरी तरह आश्वस्त थी। इस बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ब्रिटेन की अदालत के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि देश को धोखा देकर भागने वाला कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि विजय मल्ल्या के भारत प्रत्यर्पण का फैसला यूपीए सरकार के घोटाले के खिलाफ जंग में बड़ी जीत है। दिल्ली की एक अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे के कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को पूछताछ के लिए 5 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। उसे 5 दिन की सीबीआई रिमांड पूरी होने के बाद आज विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया। जांच एजेंसी ने कहा कि मिशेल जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, इसलिए उसे और 9 दिन के लिए हिरासत में दे दिया जाए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय पेंशन योजना में कुछ बदलाव करने का फैसला किया है। आज नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया, इम्प्लॉय का शेयर जो होगा वो 10% ही रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर होगा उसमें उसको 10 से 14% कर दिया गया है। एक दूसरा महत्वपूर्ण चेंज जो हुआ है कि रिटायरमेंट पे एग्जिट के टाइम पे 60 वो निकालते थे, उस 60 में से 40 टैक्स फ्री था और 20 टैक्सेबल था। इस 60 के 60 को टैक्स एग्जेम्प्टेड कर दिया गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन कोष और निवेश के तरीके का चयन करने की स्वतंत्रता भी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ उर्जित पटेल ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दे दिया है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि वे तत्काल प्रभाव से पद छोड़ रहे हैं। श्री पटेल ने कहा कि कई साल तक रिजर्व बैंक में विभिन्न पदों का कार्यभार संभालना उनके लिए सम्मान की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डॉ उर्जित पटेल के नेतृत्व में रिजर्व बैंक देश में वित्तीय स्थिरता लाई, बैंकिंग प्रणाली को अराजकता से बाहर निकाला और अनुशासन को सुरक्षित किया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार रिजर्व बैंक के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर दोनों रूप में डॉ उर्जित पटेल की सेवाओं को सम्मान के साथ स्वीकार करती है। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। क्या हुआ? पापा को हार्ट अटैक आया है। वॉलेट कहाँ गया? एयरपोर्ट पे एंट्री कैसे होगी बिना आईडी? एक काम कर, अपना फोन दे, जल्दी से अपना आधार नंबर डाल। यार ये एम आधार चलेगा? अरे दौड़ेगा। चल चल फटाफट संभाल के जा। जी पाजी, ये आधार कार्ड अगर खो जाए तो इतनी जल्दी मिल जाता है क्या, वो भी मोबाइल पे? हाँ पाजी, मिल जाता है। ओ यार, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो अभी सोच लो, फायदे में रहोगे पाजी। एम आधार डाउनलोड करो कभी भी कहीं भी। ये आकाशवाणी है। देश में निर्मित अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र अग्नि 5 का आज चांदीपुर अंतरिम परीक्षण रेंज के अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण किया गया। इस प्रक्षेपण का यह चौथा सफल परीक्षण है। ये परमाणु तथा परंपरागत दोनों तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 क्रिकेट टेस्ट मैच की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त ले ली है। एडिलेड में खेले गए पहले मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 31 रन से हराया। जीत के लिए 323 रन के लक्ष्य के जवाब में ऑस्ट्रेलिया दूसरी पारी में 291 रन ही बना सका। श्रृंखला का दूसरा टेस्ट मैच 14 दिसंबर से पर्थ में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार दोनों सदनों में राष्ट्रीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती कल होगी। ब्रिटेन की अदालत ने भगोड़े उद्योगपति विजय मल्ल्या के भारत प्रत्यर्पण का आदेश दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि संपूर्ण कर मुक्त निकासी के साथ राष्ट्रीय पेंशन योजना में बदलाव किया जाएगा। स्वदेश निर्मित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का चांदीपुर से सफल परीक्षण किया गया है और भारत ने ऑस्ट्रेलिया से एडिलेड में पहला क्रिकेट टेस्ट मैच 31 रन से जीत लिया है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।